सो हेलो गाइस, जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सांड से टीचर ने क्वेश्चन किया था कि इस वर्ल्ड में कितने मैजिक एलिमेंट हैं, और सांड ने आंसर दिया था कि टोटल 9 टाइप के मैजिक एलिमेंट होते हैं। तभी एक नोबल स्टूडेंट बोलता है, ये गलत बोल रहा है, ओनली 5 टाइप के ही मैजिक एलिमेंट होते हैं। तभी जो टीचर होती है वो उसे बताती है कि टोटल 9 टाइप के मैजिक एलिमेंट होते हैं और ये कुछ ही लोगों को पता होते हैं, क्योंकि बाकी सबको खाली 5 टाइप के मैजिक एलिमेंट्स बारे में ही बताया जाता है। और टीचर भी वहाँ पर जो सांड की नॉलेज होती है उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। और यहीं से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, और एपिसोड की स्टार्ट में जो टीचर होती है वो सांड से कहती है कि तुम फायर पोषण बना के दिखाओ। और दोस्तों, उसने इसलिए ऐसा कहा था सांड से क्योंकि वो देखना चाहती थी कि सांड ने कहीं वो चीजें तुक्का तो नहीं लगाया था। उसके बाद टीचर उससे कहती है, अगर तुमने फायर पोषण बना लिया तो तुम्हें आज की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकते हो। और अगर सांड फेल हो गया तो जो टीचर यून है वो उसे आज आधे दिन के लिए इसी क्लास में लॉक करके रख देगी। और तभी जो शान होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है कि जो फायर पोशन है उसे बनाना तो उसके बाएं हाथ का खेल है, उसमें कौन सी ज्यादा बड़ी बात है। तभी जो शान होता है वो पोशन बनाने के लिए आगे बढ़ता है, जहां पोशन बनाने के लिए उसे काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। और तभी जो शान होता है वो पोशन के इंग्रेडिएंट के साथ जैसे खेल कर रहा हो वैसे उसे बनाने लगता है। और तभी कुछ देर की मेहनत के बाद जो शान होता है वो उस पोशन को इजीली बना लेता है। जिसके बाद जो शान होता है वो अपने पोशन के इंग्रेडिएंट्स को टीचर को दिखाता है, जिसके बाद जो शान होता है वो बाहर चला जाता है। जिसके बाद जो टीचर यून होती है वो शान के द्वारा बनाए गए फायर पोशन को देखती है, जो बहुत ज्यादा परफेक्टली बना होता है। जिसके बाद जो टीचर यून होती है वो शान को ऐसा करता देख बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी होती है और बहुत ज्यादा शॉक भी होती है, क्योंकि शान इस क्लास का सबसे ज्यादा बेवकूफ बच्चा था और उसी ने फायर पोशन को इतनी इजीली बना लिया था। तभी जो टीचर यून होती है वो शान से बात करने के लिए उसकी तरफ देख रही होती है, लेकिन तभी सारे स्टूडेंट मिलकर बताते हैं कि सांड तो अब तक बाहर भी निकल चुका है क्लास से, क्योंकि जैसा टीचर यून ने कहा था वो वैसा ही करके बाहर निकल गया। तभी जो टीचर यून होती है वो कहने लगती है कि मैंने ऐसा कब कहा था और वो ऐसे ही कैसे क्लास छोड़कर जा सकता है। और जो टीचर यून ने कहा था सभी स्टूडेंट टीचर यून की बात पे ही एग्री कर रहे होते हैं। तभी जो वो नोबल स्टूडेंट होता है उसका नाम लिन्यू होता है, और वो जो होता है वो सांड की ऐसी एबिलिटी देखकर बहुत ज्यादा जेलस होने लगता है उससे, और उसके बारे में बुरा भला बोल रहा होता है क्लास में। जिसे सुनने के बाद जो शान का दोस्त है चैन, उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलता है, घटिया इंसान, तुम शान के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। वहीं जो वो स्टूडेंट होता है क्लास को डराने के लिए अपनी फायर बॉल के एक अटैक से जो चैन होता है उसकी बेंच को तोड़ देता है। जिसके बाद वो चैन से बोलने लगता है कि अगर अगली बार तुमने मेरे बारे में कुछ भी ऐसा बोलने की हिम्मत करी तो डेक्स की जगह अगली बार तुम भी हो सकते हो। और तभी जब उनकी फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी और हमें लग रहा था कि फाइट होगी यहाँ पर, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो फाइट को रोक देती है बीच ही में। हम लोगों का सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें शान को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो शान होता है वो बाहर घूम रहा होता है और वो कहने लगता है कि मैजिक पोशन बनाने तक तो सही था, लेकिन जो इस टाइम पे उसकी बॉडी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। और वो कहने लगता है अपनी इस हालत पे वो खाली एक जूनियर लेवल का मैजिशियन ही बन सकता है। और हमें बताया जाता है यहाँ पर जूनियर, मिडिल और सीनियर रैंक के मैजिशियन होते हैं, इसमें से जो शान है वो एक जूनियर रैंक का मैजिशियन ही बन सकता है। और जो उनकी एकेडमी है वहाँ पर बहुत ज्यादा सीनियर रैंक के स्टूडेंट हैं, इसीलिए जो शान है वो भी एक सीनियर रैंक का स्टूडेंट बनना चाहता है। और ये सब जो भी है वो शान को डार्क वेव आने से पहले करना होगा, क्योंकि डार्क वेव आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी जब शान आगे बढ़ ही रहा था तभी उसे एक डायरेक्शन बोर्ड मिलता है जहाँ पर मैजिक रूम का डायरेक्शन बोर्ड लिखा होता है। तभी जो शान होता है वो कहने लगता है क्यों ना वो इस मैजिक रूम का यूज कर अपने आप को इम्प्रूव कर ले और अपनी पावर्स को बढ़ा ले। जहाँ पर आने के बाद जो शान होता है उसको अलग अलग मैजिक एलिमेंट्स के अलग अलग मैजिक बॉल्स दिखाई देते हैं वहां पर आकर, और जैसे ही सान मैजिक बॉल की ओर बढ़ ही रहा होता है। और यहीं पर दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, अब मैं मिलूंगा किसी और न्यू सीरीज के साथ। ओके बाय।